सवाल नंबर एक, डायबिटीज से शरीर के कौन से अंग खराब होता है? आजकल डायबिटीज एक सामान्य बीमारी बन गई है। बदलती लाइफस्टाइल के चलते हर दूसरा शख्स इस बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा कई लोग तो डायबिटीज का चेकअप भी नहीं कराते हैं, जिससे उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वह इस बीमारी के मरीज है। ऐसे में जानता है कि डायबिटीज़ के कारण सबसे ज़्यादा असर आपकी बॉडी के किस पार्ट्स पर पड़ता है? जैसे कि नंबर एक, किडनी प्रभावित हो सकती है। हम आपको बता दें कि जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ की दिक्कत है, उन्हें किडनी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल लगातार हाई ब्लड शुगर से किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचता है। इस दौरान आपकी बॉडी में सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। नंबर दो, आँखों की रोशनी जाने का डर होता है। आंखों पर भी डायबिटीज का असर दिखता है। लंबे समय से हाई ब्लड शुगर का असर आंखों पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह से आंखों से जुड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि मधुमेह की वजह से आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। कई मामलों में तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है। डायबिटीज़ के रोगियों को आँखों में संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। रेटिना में रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जो आंखों के लिए बेहद दर्दनाक हो सकती हैं। नंबर तीन, पैरों की नसों पर प्रभाव पड़ता है। पैरों की नसों पर भी डायबिटीज का असर पड़ता है। शरीर में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने पर पैरों की नसें डैमेज होने लगती है। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों में पैरों के सुन्न होने की समस्या हो सकती है। मधुमेह की वजह से पैर की रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज होने लगता है। इसकी वजह से पैरों में झुनझुनी और सुनसुनापन आने लगता है। इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। इस प्रकार पैरों की लगातार सुन्नता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और तुरंत फुट फ्रेशर की जांच करानी चाहिए। नंबर चार, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। आखिरी प्रभावी आपके हार्ट पर भी पड़ता है। लंबे समय से लगातार हाई ब्लड प्रेशर आपको बना हुआ है, तो इससे आपका हार्ट खतरे में होता है। डायबिटीज़ के कारण आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। नंबर पाँच, त्वचा की समस्या हो सकती है। मधुमेह के रोगियों में स्किन की समस्या क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं के कारण होती है। यह त्वचा पिगमेंटेशन पैदा कर सकता है। हाथों और पैरों पर काले धब्बे आमतौर पर मधुमेह का पहला लक्षण होता है। यह दर्दनाक नहीं होता, मगर आसानी से पहचाना जा सकता है। सवाल नंबर दो, डायबिटीज़ होने से पहले क्या संकेत देती है? दरअसल यह कई तरह के संकेत दे सकती है, जैसे कि नंबर एक, ब्लड शुगर घटने बढ़ने के संकेत। ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है तो नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत प्यास लगती है, धुंधला दिखाई देता है और बार बार पेशाब लगती है। वहीं ब्लड शुगर कम हो जाने पर कांपना, भूख लगना, पसीना आना, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इन लक्षणों पर ध्यान देने के अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को इन 5 बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर दो, पैर पर लगा कट या घाव। अगर आपके पैर पर हुआ घाव नहीं भर रहा है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है। न्यूरोपैथी होने पर तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। नंबर तीन, आंखों के नीचे काले धब्बे। डायबिटीज का आंखों पर गहरा असर पड़ता है। डायबिटीज रेटिनापैथी एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर रेटिना की रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है। इसके अलावा कुछ और भी संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, आंखों में धुंधलापन, स्किन इन्फेक्शन, बहुत प्यास लगना, बार बार टॉयलेट आना, बहुत भूख लगना, वजन बढ़ना या फिर कम होना, थकान, ओरल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन। सवाल नंबर तीन, डायबिटीज़ को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दरअसल इसे ख़त्म करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर एक, आंवला। आंवला डायबिटीज़ में भी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला खाने के 30 मिनट में ब्लड शुगर लेवल कम किया जा सकता है। आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर दो, नीम। नीम के पत्ते चबाने और रस पीने से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नीम में एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगस गुण होते हैं। इसके अलावा नीम में एंटी डायबिटीज़ गुण भी पाए जाते हैं। यह सभी तत्व मधुमेह भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नंबर तीन, लहसुन। लहसुन को आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। सभी के घरों में खाने में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने और मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके लिए रात भर लहसुन की 2 से 3 कलियों को पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खा लें। नंबर चार, एलोवेरा। पिछले काफ़ी समय से आयुर्वेद में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए भी एलोवेरा के जूस का सेवन करना फ़ायदेमंद माना जाता है।
एलोवेरा जूस पीने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एलोवेरा में हाइड्रोफिलिक फाइबर, ग्लूकोमानन और फाइटोस्टेरोल जैसे तत्व होते हैं जिससे ब्लड शुगर कम रहता है। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के तेल का उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। जैतून के तेल से ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। लंबे समय तक जैतून के तेल का उपयोग करने से हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ में कौन सी सब्जी खाना ज़रूरी होता है? वैसे कई तरह की सब्जियाँ, जैसे कि नंबर 1, करेला जरूर खाना चाहिए। कई लोगों को करेला बहुत पसंद नहीं होता, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें करेला बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करेला एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन डायबिटीज पेशेंट को जरूर करना चाहिए। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करेगा। नंबर 2, ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। ब्रोकली का सेवन ज़्यादातर लोग सलाद के रूप में करते हैं। यह कम कर्ब वाली है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में ब्लड शुगर मरीज ब्रोकली को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3, भिंडी फ़ायदेमंद होती है। दरअसल इस मौसम में बाजार में भिंडी बहुत ज़्यादा आती है। यह सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जिसकी वजह से यह आसानी से पच जाती है। इसके साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी करती है। खास बात यह है कि भिंडी में मौजूद तत्व इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है। नंबर 4, रोज़ पत्ता गोभी का सेवन करना चाहिए। आजकल पत्ता गोभी आपको बाजार में हर मौसम में आराम से मिल जाएगी। यह एक लो स्टार्च वाली सब्जी है जो कि शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। इसे आप सलाद के रूप में या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, गाजर खाने से फ़ायदा होता है। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो डाइट में गाजर को भी शामिल करें। गाजर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से यह आपके खून में धीरे धीरे शुगर को रिलीज़ करता है। हो सके तो आप गाजर को कच्चा ही खाएं, यह ज़्यादा फायदेमंद होगी। सवाल नंबर 5, शुगर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल शरीर में रक्त शर्करा को इंसुलिन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। इंसुलिन का अपर्याप्त उत्पादन मधुमेह का कारण बन सकता है। स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह बीमारी जीवन भर बनी रहती है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती है। यहाँ बताया गया है कि मधुमेह के शरीर के विभिन्न हिस्सों को कैसे प्रभावित कर सकता है।